जैसे कि आपने बोला मोरा में इतना पॉपुलेशन है, सो वी नीड मोर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, वी नीड मोर, एक दो से नहीं काम चलेगा, वी बीट फैमिली फ्रेंड्स, एनीबॉडी के लड़कियां हैं, चार लड़कियां हैं, क्या करेंगी, तो सदियों से चला, या यू हैव टू, बट एज अ चाइल्ड इट वाज, सो डू व्हाट यू लाइक, अगर आपको लगता है आपको ब्यूटीफुल दिखना है, डू इट, डोंट वेट फॉर समबडी एल्स, मेरी कैटेगरी में नहीं है, माय सर्टिफिकेशन डजंट अलाउ, आई क्लियरली डायरेक्ट देम टू द प्रोफेशनल्स, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे. आप अपने बेस्ट डे के लिए बेस्ट दिखना चाहते हो या बेस्ट प्रोफेशनल ब्यूटीशियन बनना चाहते हैं, तो आप जरूर विजिट करें या कॉल करें अभी आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट पर, आपके अपने शहर मुमरा और शिल. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार. आज जैसा मैंने प्रॉमिस किया था उसी तरीके से मेरे पास एक और नए वुमेन एंटरप्रेन्योर है जो काफ़ी छोटी उम्र से, टीनेज से मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं, अपने आप को साबित करने, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने फैमिली के लिए और समाज के लिए कुछ करने. परवीन मुल्ला जी. यस, परवीन मुल्ला जी. कैसे आप? पहले तो मैं आपका, मेरे टी आई तनवीर इसरार शो में मैं आपका स्वागत करता हूँ. और मैं आपकी, जैसा मैं हर वुमेन एंटरप्रेन्योर से जर्नी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए खुद मैं क्रियोस रहता हूँ कि कैसे इंसान एक फर्स्ट फेज से सेकंड फेज पे और सक्सेसफुल की तरफ जर्नी अपनी ले जाता है, सक्सेस की तरफ. तो मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, आपके स्टोरी के बारे में, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को और आप मुझे बताएं आपकी जर्नी के बारे में. आई वुड लव टू, बिल्कुल. इस दिन के लिए मेहनत की है मैंने कि मैं ऐसे किसी दिन आके अपने बारे में बताऊं. डेफिनेटली मेरे लाइफ का ईच एंड एवरी स्टेप इसी फोकस में रहा है कि आई विल रीच समवेयर वेयर इन आई विल बी एन एग्जांपल टू पीपल एंड आई विल बी एन इंस्पिरेशन टू पीपल. बिकॉज जो एरा में हम थे, लाइक ड्यूरिंग माय टीनेज, लाइक आज से आई थिंक 20 इयर्स बैक, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी इतनी. इनफैक्ट घर से निकलने के लिए ही हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, पेरेंट्स को ब्लैकमेल करना पड़ता था इमोशनली. वेर इन माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव बिकॉज वी वर फोर सिस्टर्स, हम चार बहनें थे, आई डेंट हैड ब्रदर्स. मेरे पेरेंट्स को कुछ इशू नहीं था, माई फादर वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लानट वेन माई ट्विन सिस्टर्स वर बॉर्न. बट यहाँ सुनने में बहुत मिलता था, वी बीट फैमिली फ्रेंड्स, एनीबॉडी के लड़कियाँ हैं, चार लड़कियाँ हैं, क्या करेंगी, तो सदियों से चला. या यू हैव टू, बट एज अ चाइल्ड इट वॉज अ बिग बर्डन ऑन माई माइंड बिकॉज मैं बचपन से ही बहुत एम्बिशियस थी, बहुत फोकस थी, बहुत क्लियर थी ऑन वॉट आई हैव टू डू. सो दैट वॉज माई फर्स्ट पॉइंट वाई आई वॉन्टेड टू डू थिंग्स, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी ऑन माई ओन फीट. मुझे ट्रबल नहीं करना था मेरे पेरेंट्स को. कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, yes. और आपका मैंने इंस्टीट्यूट और आपका ऑफिस वगैरह देखा, काफी अच्छा आपने अचीव किया है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. तो कैसा आपने, जैसा आपने स्टोरी तो बताई पेरेंट्स से, बिना माँ बाप के सब, मैंने हर सक्सेसफुल के पीछे देखा हूँ बच्चों के पीछे माँ बाप का बड़ा कंट्रीब्यूशन है. करेक्ट, करेक्ट. थैंक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग दैट. यस, एवरी पेरेंट शुड डू दैट बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट फॉर एनी चाइल्ड, गर्ल और बॉय. एक्जेक्टली, सो दैट्स हाउ इट इज. मुझे बताइए ना कि अभी फिलहाल आपका ये एक ब्रांच है, आपके अभी फिलहाल एक ब्रांच है, राइट? कब से है आपका ये ब्रांच? सो ये जो नशेमन करते हैं आप लोग, नशेमन कॉलोनी में जो ब्रांच है वो पिछले 2 साल से है. okay. इसके पहले जस्ट आफ्टर कोविड हमारा एक बाईपास पे एक छोटा सा ब्रांच हुआ करता था. आई यूज टू वर्क विथ वन ऑफ माई डॉक्टर फ्रेंड, इनफैक्ट शी इज द वन हु टोल्ड मी, डॉक्टर सादिया, शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, शी टोल्ड मी, अरे परी, दैट्स माई पेट नेम, यू आर रियली गुड एट योर वर्क, यू शुड रियली डू समथिंग ऑन योर ओन. तो वहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा मोटिवेशन मिला, तो हिम्मत करके ये वाला सेटअप डाला है बेसिकली. आजकल के जो यंगस्टर है काफी कॉस्मेटिक और सर्जरी वगैरह और अपने आप को खूबसूरत सबको दिखना ही है, बाय द वे, वो कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्मेटिक के थ्रू अपने आप का जो नेचुरल चीज है उसको सही करे. आजकल मैं ये प्रॉब्लम देख रही हूँ कि लोगों को वो करना है जो दूसरे लोग उनको करने के लिए कह रहे हैं या जो दूसरे लोग उनको बोल रहे हैं कि ये क्यों नहीं करवाती. आई फील यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स. आप अपने लिए करो, आपको जो पसंद है वो आप करो, पसंद है तो करो, नहीं पसंद है तो मत करो. इनफैक्ट हमारे पास जो क्लाइंट्स भी आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, हम उनको लिटरली ये समझाते हैं, इफ दे आर वेरी साइकोलॉजिकली यू नो डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्सेस चॉइस, तो हम ही उनको समझाते हैं कि आप किसी को भी रीच नहीं कर पाओगे, नोबडी विल बी सैटिस्फाइड. सो डू व्हाट यू लाइक. अगर आपको लगता है आपको ब्यूटीफुल दिखना है, डू इट,
डोंट वेट फॉर समबडी एल्स. अगर आपको लगता है कि आई एम ओके द वे आई एम, जस्ट फ्लॉन्ट योर सेल्फ द वे यू आर. यू डोंट हैव टू. पर कुछ एक स्टेज पे जाके एक्सेसिव कर लेते हैं लोग. यस. तो वहां आप करेक्ट गाइडेंस होना जरूरी है. रिस्पांसिबिलिटी आप एग्जैक्टली को रोकते हैं. ऑफ कोर्स रोकते हैं. एज आई टोल्ड यू कि हम तो कंसल्टेशन में ही बोलते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जानते हो कि वो क्या बैकग्राउंड से है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, क्या वर्किंग क्लास है, और वो जो चीज़ करवाना चाहते हैं सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर आया है वो उन पे वो जाएगा या नहीं. बिकॉज यू एज अ यू नो एग्जीक्यूटर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम. तो ये सब बताते भी हैं हम. वी डोंट जस्ट ट्राई टू ट्रैक बिजनेस, वी जस्ट गिव वॉट इज रियली इंपॉर्टेंट. क्योंकि वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है. कल को हम यही बैठे हैं, कल को वो हमें ही रिकोगनाइज करेंगे फॉर गुड एंड बैड और वॉट एवर इज हैपन. So even I will give this message to all my friends and all my cosmetologist friend, all my you know people who are treating with skin, hair. Just do what your customers really need and don't just push your you know thing which you want to do on them, because it should suit their lifestyle. Exactly. और जैसा मुमरा की हमारी जो खास करके मुमरा की मैं और ऑडियंस है हमारी को टारगेट कर रहा हूँ कि हमारा जो शहर है डेंसली पॉपुलेटेड. राइट. तो आप लोग की ये पहल से वुमेन एंटरप्रेन्योर खास करके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है. ऑफ कोर्स. तो उस बारे में आपका क्या सोच है? राइट. वो बेनिफिट करता है हमारे समाज को, हमारे शहर को. उस बारे में आप क्या लोगों को बताना? इनफैक्ट मैं ये पॉइंट रेज करना चाहूंगी, जैसे कि आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म दैट आई वर्क विद बिग ब्रांड्स लाइक VLCC एंड काया लिमिटेड. इनफैक्ट आई स्टार्टेड माई करियर एंड आई एम थैंकफुल. मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे. आई वर्क विद टॉप मोड्स डर्मैट्स एंड they know me, I'm known in the industry. तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि जब मैंने क्लिनिक खोला तो मेरा ऑप्शन आया था दिमाग में कि नॉट इन मुमरा, लेट्स डू इट समवेयर एल्स, आई डू बेटर. बट नो, एज अ मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड एज अ यू नो सिटी का एक जिम्मेदार, अगर मुझे एक बोलना है कि जो मैंने लाइफ स्टाइल लाइफ में अचीव किया है अगर मैं अभी नहीं कर पाई तो क्या मतलब है अचीव करके. तो इसके लिए मैंने मुमरा में ही मेरा इंस्टीट्यूट ओपन किया है. जो लोग दूर ट्रैवल करते थे टू गेट कोर्सेज डन, आई वॉज फैकल्टी फॉर समवेयर एल्स यू नो अंधेरी बांद्रा में, तो वो थोड़ा सा कट शॉर्ट हो जाए और क्वालिटी एजुकेशन उनको यहाँ मिले इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, इन टर्म्स ऑफ बीइंग समथिंग इन लाइफ. तो वो सारा हमारा इंस्टीट्यूट भी है. कॉन्सेप्ट है कि लोगों में एक तरीके का प्रोफेशनल स्किल और सर्टिफिकेशन करके उनको अपने पैरों पे खड़ा होने का तो काम करते हैं. और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है. ऐसे आप जैसे कि आपने बोला मुमरा में इतना पॉपुलेशन है, सो वी नीड मोर कॉस्मेटोलॉजिस्ट. वी नीड, एक दो से नहीं काम चलेगा. आई थिंक इन हम सबको एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, जो भी प्रोफेशनल्स है एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए. सिमिलर फील्ड के मैंने यस यस एंड इट्स नीडेड आल्सो. कलीग्स फ्रेंड्स जो काम करते हैं और सबको अप्रिशिएट करता हूं मैं कि आप लोग सबको कोलैबोरेट होकर इस इंडस्ट्री को आगे ले जाना काफी जरूरी है. राइट. क्योंकि अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम रखना और अच्छा दिखना सबका इम्पोर्टेंट है. ये इंडस्ट्री जो है, मेरा अगला सवाल था कि ये इंडस्ट्री जो वाइडर हो रही है स्लोली स्लोली, पहले एक पर्टिकुलर फील्ड का प्रोफेशनल वही काम करता था, अब ये जो है इंडिविजुअल बेसिस पे कोर्सेस होके और प्रोफेशनल अथॉरिटी दी जा रही है लोगों को करने की. उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि जैसे आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट, सो उस बारे में मुझे बताएं कि आर दे कैन हैंडल ऑल दी टाइप्स ऑफ केसेस और हाउ इट इज. नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सी, देर आर सर्टेन लिमिटेशंस एज लाइक इफ आई हैव टॉक्ड, ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट मी. आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट बट इवन आई हैव माय लिमिटेशंस. व्हेन आई गेट सर्टेन क्लाइंट्स, जो कस्टमर्स जो आते हैं कुछ ऐसा कंडीशन प्रॉब्लम लेके जो मेरी कैटेगरी में नहीं है, माय सर्टिफिकेशन डजंट अलाउ, आई क्लियरली डायरेक्ट देम टू द प्रोफेशनल्स. इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे सिटी में, प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनके पास डायरेक्टली डायरेक्ट कर देती हूँ एंड आई एजुकेट देम दैट व्हाट एम आई एग्जैक्टली एंड व्हाट आई एम हियर टू ब्यूटिफाई यू, आई एम हियर टू हेल्प यू हाउ टू हैव योर करेक्ट रूटीन. वी डोंट बिलीव इन मेडिकेशंस अ लॉट बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल टू गिव दैट. Although I have a doctor in my premises and I'm attached with doctors in within my premises, agar koi aaya you know kuch case hai to on call doctors hai, but I personally don't do it because I am not supposed to do it. But of course hum, jaise maine aapko bola, apne shehar mein bahut acche doctors hai to main unpe direct kar deti hu. Very good. Aur mujhe generic question hai ye, jaise main har kisi ko main zyada believe karta hu homemade remedies pe, hai na. To क्या होममेड रेमेडीज ऐसी होना चाहिए जो हर कोई तो फाइनेंशियली भी एफोर्ड नहीं कर पाता है ना, तो उस
होममेड रेमेडीज में ऐसा कुछ बताएंगे ना जो लेडीज या जेंट्स जो भी है वो अडेप्ट करे और अपने स्किन में अपने हेल्थ में वो चीजें लाकर एग्जीक्यूट चेंज कर पाए अपने आप को। सी फर्स्ट ऑफ ऑल होम रेमेडीज को मैं थोड़ा सा मैं रिफ्रेम करना चाहूंगी। होम रेमेडीज से ज्यादा होम केयर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे आयुर्वेदा के टाइम से चला आ रहा है बेसन एंड ऑल विच इज़ रियली गुड टू योर स्किन, तो आप वो घर पे चना पीस के वो सब करके कर सकते हो नो इश्यूज़। बट अगर आपको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि बहुत एक्ने है या बहुत इरिटेटेड स्किन है, प्लीज़ विजिट द एक्सपर्ट डॉक्टर्स लाइक अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट। एक्ने क्या होता है? पिंपल, जो बहुत दर्द वाले होते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं लेमैन लैंग्वेज में, हाँ, क्योंकि ये अक्सर बहुत कॉमन है बिकॉज हम बहुत नॉनवेज खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, तो बहुत पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। पीसीओडी पीसीओएस के इश्यूज है लेडीज़ को, तो अगर आपके फेस पे बहुत सारा यू नो प्रॉब्लम है तो होम रेमेडीज तो है, नॉर्मल स्किन के लिए होम रेमेडीज है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन या रॉ मिल्क लगा लो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन नॉर्मल स्किन है तो इफ़ यू हैव कॉम्प्लिकेशंस लाइक मेजर इश्यूज है कि आप तकलीफ में हो, प्लीज़ आप प्रोफेशनल के पास जाइए, आप खुद को घर पे मत कीजिए बिकॉज देयर इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल होम रेमेडीज एटलीस्ट आप बेसिक केयर करो, एवरी डे करोगे आपको कोई इतना मेजर इशू नहीं होगा। जैसे कि नॉर्मल हो गया, फेस वॉश करना हो गया, मॉइस्चराइजर लगाना हो गया, सनस्क्रीन लगाना हो गया, खुद से प्यार कीजिए, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट रात निकालिए खुद के लिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आपको ये किसी की शादी आने पे ये याद नहीं आएगा कि मेरे मुंह पे पिगमेंटेशन है, चलो कहीं जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज आल्सो आई वांट टू नो अबाउट दी सोशल एक्टिविटीज, यू नो यूजुअली आई लाइक टू वर्क फॉर पीपल एंड आई लाइक टू एंडोर्स द पीपल हु आर हु यूज देयर प्रोफेशनल फॉर अ social benefit as well. Right. So what are your thoughts? आपके क्या thoughts हैं जो socially आप benefit कर सके लोगों को? उसके बारे में बताइए कि आप कैसे help करते हैं और क्या करना चाहते हैं socially? ये तो हो गया professional. Socially मैं जानना चाहता हूँ आपका definitely future plan. Right, right. See, जैसे कि मैंने कहा आपको कि मुंब्रा में clinic या मुंब्रा में मेरा setup डालने का इरादा क्या था? Because I want our community to grow, our city to grow. It's very important. अभी ये टॉपिक आई डोंट नो आई हैव टू से दिस और नॉट बट आई हैव ग्रोन विद दिस सो इट इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। हम पहले जब हम छोटे थे ट्रैवल करते थे ट्रेन में या इंटरव्यूज़ के लिए जाते थे, आई हैव गिवन 28 इंटरव्यूज़ ऑन माई पर्सनल क्रेडिबिलिटी लाइक माई पर्सनल दिस थिंग आई यूज टू गेट यू नो ऑफर्स द मोमेंट आई यूज टू से आई एम फ्रॉम मुंब्रा सो द इंप्रेशन यूज टू गो डाउन। मैं आज से 2007-8 की बात कर रही हूँ, अभी काफी चेंज है। सो काफी चेंज हो गया है बट और चेंज होना चाहिए बिकॉज बेनिफिट्स के साथ साइड इफेक्ट्स भी बहुत हो रहे हैं। सो दैट हैज टू कम डाउन एंड पीपल लाइक अस यू अदर दे शुड कम आगे एंड पार्टिसिपेट। तो या तो मेरा एक छोटा सा पार्टिसिपेशन मैंने अभी ये सोचा है कि जैसे मैंने कहा आपको मेरा इंस्टीट्यूट भी है तो वहाँ मैंने एक छोटा इनिशिएटिव ये लेने का सोचा है कि पीपल हु आर रियली यू नो दे कांट पे सो मच फाइनेंशियली वीक, तो जो मेरे स्टूडेंट्स का सेक्शन है हु आर लाइक सर्टिफाइड एंड दे आर नोन नाउ दे कैन डू थिंग्स, सो मेरे अंडर में मेरे डॉक्टर के गाइडेंस में कम अमाउंट पे उनके लिए मैं सर्विसेज प्रोवाइड करने का सोच रही हूँ। जो वो यहाँ पे आके वो कैटेगरी अलग होगी, ऐसे नहीं है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा बिकॉज दे कैन नॉट पे एंड ऑल, बट येस मेरा भी फायदा हो जाएगा उसमें बिकॉज माई स्टूडेंट्स नीड हैंड्स ऑन एंड लोगों का भी हो जाएगा। ऑफकोर्स हम ध्यान दे के करेंगे, तो ये छोटा सा इनिशिएटिव जो है वो हमने लेने का सोचा। ग्रेट टू हियर। और जैसा मैंने ऑलरेडी छोटा सा ये क्वेश्चन पूछा था, फ्यूचर प्लान्स थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूंगा। फ्यूचर प्लान्स बेसिकली आई वांट टू ऑफकोर्स एक्सपांड, आई वांट टू गेट अटैच्ड विद अदर पीपल, ऑफकोर्स आई कैन नॉट डू दिस अलोन, सो और भी ब्रांचेस ओपन करने का इरादा है हमारा एंड वर्कशॉप्स रखने का इरादा है साथ, ताकि द मेन पर्पज टू वर्क ऑन इंस्टीट्यूट इज दिस ओनली, सो दैट बिकॉज जैसे कि एज यू सेड इतनी आबादी है तो वी नीड प्रोफेशनल्स, वी नीड प्रॉपरली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। ऑफकोर्स मनी इज इम्पॉर्टेंट बट मनी के साथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सोशल मॉरल एटिकेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो वो उस पर मैं थोड़ा सा अपना जो है वो रोल प्ले कर सकूँ। सो ये मेरा कंक्लूसिव क्वेश्चन होता है लास्ट में, मैं मेरे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ एक छोटा मैसेज आपके लाइफ जर्नी है जो भी आपको लगे कि एक मैसेज होना चाहिए, करेक्ट, लोगों तक जाना चाहिए। यस, हैप्पीली आई विल गिव दैट मैसेज। देखिए कैसा है ना, स्पेशली आफ्टर कोविड, बिकॉज मेरे दिमाग की घंटी भी कोविड के बाद ही बजी है, वरना मैं एक कुएं में अटकी हुई थी। आई एक्चुअली यू नो अंडरस्टूड माई पोटेंशियल। सो मुझे लोगों को ये बोलना है कि मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होगी, प्रॉब्लम्स आर नेवर गोना एंड। आप एक प्रॉब्लम से निकलोगे दूसरों में फंसोगे, दूसरे से निकलोगे और हर प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी लगेगी। सो जस्ट बी हैप्पी एंड कीप पीपल हैप्पी अराउंड यू,
दैट इज़ रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कोवर्कर्स हो, या एनीबडी, इवन नॉर्मल सफाई वाला यू आर मीटिंग, इवन नॉर्मल वॉचमैन, योर वन स्माइल कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर फुल डे. आप इमेजिन करो, एक वॉचमैन अंकल बैठे बेचारे परेशान है घर की मुसीबतों से, आप बाइक लेके अंदर एंटर कर रहे हो, दो मिनट की स्माइल दे दी आपने, उनका पूरा दिन बन जाएगा. सो जस्ट बी हैप्पी, दिस इज व्हाट आई नीड टू टेल एवरीबॉडी, एंड जस्ट ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी. थैंक यू. थैंक यू परवीन जी, आपके परवीन मुल्ला जी, परवीन मुल्ला जी आपके टाइम के लिए. थैंक यू. यू टू. सो आपने देखा ये वीडियो के बारे में, मैं खुद नई चीज़ें से जाना हो जो मुझे भी जानना चाहिए, मैंने भी कुछ चीज़ें सीखा. मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड मिला होगा. और अगर आपकी भी ऐसी स्टोरी है और आपको लगता है कि आपको लोगों तक पहुंचानी है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, इस नंबर पे, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा. थैंक यू वेरी मच. बाय द वे, हैप्पी रमज़ान. रमज़ान आने वाले, हैप्पी रमज़ान. हैप्पी रमजान टू यू आल्सो. या, रोजे रखिए, इबादतें कीजिए, दुआ कीजिए. यस, कम खाइए. हैप्पी रमजान. रमजान मुबारक सबको, और हम सब के लिए दुआ करिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए दुआ करिए. शुक्रिया.